तो सबसे पहले हमारे मीडिया के दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डेमोक्रेसी में मीडिया का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इस बार का इलेक्शन में भी आप सभी लोग ने, हमारे मीडिया के दोस्तों, आप सभी लोग ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है डेमोक्रेसी को लोगों तक लेके जाने में। तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज अरुणाचल का मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार आज मैंने शपथ ग्रहण किया है। सबसे पहले तो मैं अरुणाचल के सभी जनताओं को अपनी ओर से मैं नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद के कारण से आज लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस सुंदर प्रदेश में यहां पे इस्टेब्लिश हो पाया है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, जिनके नेतृत्व में इस 2024 का इलेक्शंस हम लोग ने एक बहुत ही सफलता रूप में प्राप्त हुआ है। भाइयों और बहनों, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले लगभग 8-10 वर्षों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जो फोकस नॉर्थ ईस्ट को दिया है और अरुणाचल प्रदेश को दिया है, कई सारा डेवलपमेंट का काम यहाँ पे हुआ है। सो उस काम को देखते हुए आज अरुणाचल प्रदेश का जनता ने विधानसभा में आउट ऑफ 46 MLAs भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट में, सांसद में हमारा जो 2 MP है उसको भी भारतीय जनता पार्टी में दोबारा फिर लोगों ने चुन के भेजा है। सो इनी वे, अपना मोदी साहब ने जो काम किया है, पब्लिक लोग ने पूरा सहयोग किया है, और मुझे पूरा आशा है कि आने वाला दिनों में भी अपना केंद्र सरकार का हमेशा आशीर्वाद अरुणाचल के ऊपर में इसी प्रकार से छाया रहेगा। और साथ ही साथ आज अरुणाचल प्रदेश के सभी जनताओं को हम धन्यवाद देते हुए और भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि साथ सरकार का कार्यक्रम में आप सभी लोगों को जोड़ना है। अरुणाचल में हम लोग कुल मिला के 26 जनजाति और 100 से भी अधिक जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं। टीम अरुणाचल का हिसाब से हम लोग इस प्रदेश को और भी डेवलपमेंट में ऊंचाई तक हम लोग लेके जाएंगे। आज हमारे साथ उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मीन और उनके साथ अपने साथ और बाकी के मिनिस्टर्स, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स का स्वेयरिंग इन हो चुका है। बहुत ही जल्द उनका पोर्टफोलियो एलोकेशन भी किया जाएगा। तो सरकार की ओर से जैसे हम लोग ने जो कमिटमेंट दिया भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन से पहले कि हम लोग 5 साल किस हिसाब से काम करेंगे, अपना संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो के आधार पर ये 5 साल हम लोग चलाएंगे अपने लोगों का हित के लिए, अपने लोगों का डेवलपमेंट के लिए। और सबसे पहला एजेंडा अभी कैबिनेट में हम लोग लिया जाएंगे कि 100 डेज के अंदर में ये सरकार क्या क्या काम करेंगे। तो 100 डेज का टारगेट सेट करते हुए जनता को हम बताएंगे कि इस 100 डेज में 100 दिन में क्या क्या काम इस राज्य में होने वाला है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं दोबारा जितना भी मीडिया दोस्त हैं आप सभी का माध्यम से अरुणाचल प्रदेश की पूरा जनता को एक बार फिर मैं नमन करता हूँ हाथ जोड़ के। आप सभी का आशीर्वाद के कारण से आज दोबारा तीसरी बार यहाँ पे अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी को आप सभी का आशीर्वाद से गठन हुआ है। आप सभी का आशा काफ़ी है, हमें पता है। आप सभी का आशाओं को हम निराशा होने नहीं देंगे। टीम अरुणाचल का हिसाब से इस सुंदर प्रदेश को हम लोग एक साथ लेके जाएंगे। जय हिंद। देखिए, जैसे अपना पत्रकार दोस्त ने कहा है कि जो वुमेन कैबिनेट में आया है इसका डिसीजन किस प्रकार से लिया गया है, तो आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग बात करते हैं। आप सब लोग ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में पिछले टर्म में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को भी पास कर दिया है राज्यसभा और लोकसभा में। अभी उसका फुल रोल आउट करना है बाई 2029। सो इस प्रकार से अपना स्टेट में भी 2029 में 33% रिजर्वेशन अपना MLA विधानसभा में भी होगा। तो उसको देखते हुए अभी इस बार हमने एक मैसेज भेजने का कोशिश किया अरुणाचल के जितने भी जो हमारा वुमेन सेक्शन है कि आप लोग तैयार रखिए, आने वाला दिनों में अपना सरकार भी एक महिलाओं के माध्यम से चलना चाहिए। इसलिए मैंने इस बार एक कैबिनेट मिनिस्टर को भी एक वुमेन को हमने दिया हुआ है। थैंक यू। We'll be right back.